नमस्कार, स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ प्याज पत्ता का पियाजी या स्प्रिंग ऑनियन का पियाजी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्प्रिंग ऑनियन, प्याज, धनिया पत्ता, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, बेसन, मैदा, रेड चिल्ली पाउडर, रिफाइन ऑयल। पहले क्या करेंगे, आप एक बाउल में ये मैं जो बेसन ली हूँ आप डाल दीजिए, उसमें आप एक स्पून मैदा, ज़्यादा नहीं, एक स्पून, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, हल्दी हाफ स्पून, मिर्ची पाउडर हाफ स्पून, आप चाहिए तो ज़्यादा दे सकते हैं, मगर छोटे बच्चे खाएंगे तो हाफ स्पून देने से ही ठीक होगा, और नमक हाफ स्पून या स्वाद अनुसार। अभी उसमें थोड़ा सा तेल भी डालिए, थोड़ा सा। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऊपर से पानी डाल के, इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा तो अच्छा है। देखिए ये मिक्स हो गया। अभी उसमें मैं सारा का सारा प्याज का पत्ता या स्प्रिंग ऑनियन और ये प्याज डाल रहे हैं, उसको डाल के उसमें धनिया पत्ता डाल के अभी इसको मिक्स करूँगी। कढ़ाई में मैं तेल गरम करने के लिए बिठा दी और तेल गरम भी हो गया। अभी मैं उसमें एक मिर्ची फ्राई करने के लिए डाल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बाद में लगेगा। देखिए हल्का सा फ्राई हो गया। अभी मैं जो आपको पियाजी का बैटर बना के दिखाई थी वही लेके अभी ऐसे, देखिए ऐसे करके इसमें एक टुकड़ी छोड़ दें। आप इसको धीमी आंच में करेंगे। देखिए ये थोड़ा थोड़ा आधा आधा फ्राई हो गया। अभी आप इसको ऐसे एक प्लेट में ला के ऐसे इसको थोड़ा सा स्मास कीजिए, ऐसा है। फिर से इसको लेके वही तेल में डाल दीजिए। इसमें बेसन थोड़ा ज़्यादा रहता है और मैदा कम रहता है। मैदा ज़्यादा फूलने के लिए हेल्प करता है, तो इसीलिए मैदा हम डालते हैं। कोई कोई मैदा भी नहीं डालते, सब बेसन में बनाते हैं। देखिए कितना अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसको लेके टिश्यू पेपर में रख देंगे। देखिए बन गया हमारा स्प्रिंग ऑनियन पियाजी। तो चलिए हम अभी प्लेटिंग करते हैं उड़ीसा स्टाइल में। पहले ये स्प्रिंग ऑनियन को लेके एक प्लेट में ऐसे अच्छे से सजा देंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, जिसको उड़िया में सैंधवा लवण बोलते हैं, स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा मुरमुरा या मुरी, उसमें हम डालेंगे पिकल का ऑयल, उसमें हम जो फ्राई किए थे चिली उसको देंगे।
उसमें देंगे कटी हुई प्याज और गरम गरम टी के साथ इसको सर्व कीजिए। आप इसका मज़ा लीजिए, ठंडे ठंडे मौसम में इसको खाइए, घर पे बनाइए। और अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू।